नमस्कार दोस्तों, सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे चैनल में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में और उसके होम्योपैथिक समाधान के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रात में सोते हुए नींद में भूतों के सपने देखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत ही अजीब सा टॉपिक आज का हमारा विषय है। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में वाकई में होता है। रात में जब वो नींद में होते हैं तो उन्हें जो सपने आते हैं वो भूतों वाले ही होते हैं। उनको सपने में तरह तरह के भूत दिखाई देते हैं, वे उनसे बातें करते रहते हैं, उन्हें शमशान, कब्रिस्तान, बहुत दूर दूर से आती आवाज़ें, अजीब अजीब चीज़ें उनको दिखाई देती है और वो बिल्कुल बेचैन रहते हैं, डरे रहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग अगर अपनी समस्या के बारे में किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर उनको नींद की दवाई देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, कोई इस तरह के सपने देखता है, तो उसे सिर्फ नींद की दवाई देने से क्या समस्या हल हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा आदमी धीरे धीरे बहुत डरपोक हो जाता है और हमेशा किसी न किसी का साथ चाहता रहता है। वो बिल्कुल अकेला रहना नहीं चाहता है। रात को बिस्तर में सोते समय भी कमरे में लाइट जला रखना चाहता है, अंधेरा से उसे बहुत डर लगता है। दोस्तों, यह अजीब सपना अगर होम्योपैथी की सिर्फ एक दवाई 3 से 4 महीने लगातार सेवन किया जाए तो हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस दवा का नाम नोट कर लीजिए। दवा का नाम है नेट्रम सल्फ 200 पावर। इस दवा को सुबह सुबह 4 बूंद या तो सीधे जीभ में पी लें या फिर आधा चम्मच पानी में डालकर पी लें। कुछ दिन होते होते आपके यह इस तरह के सपने आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आप चैन से सो पाएंगे और नॉर्मल ज़िंदगी आम लोगों की तरह जी पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। दोस्तों, मैं ऐसे ही रोगों से संबंधित, उसके होम्योपैथिक समाधान से संबंधित छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।